सो हे गाइस, वेलकम बैक टू K2K मोटोव्लॉग्स। मेरा नाम है दीपक और आज इस वीडियो का मुद्दा क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ ग्रीन यामाहा फरीदाबाद, जहाँ से मैंने अपनी FZ-25 ली थी। और इस वीडियो में हम बात नहीं करेंगे, इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा यामाहा R15 V3 डार्क नाइट ब्लैक। तो ये वीडियो है सिर्फ R15 V3 डार्क नाइट ब्लैक के बारे में। तो बाइक का हम करेंगे वॉक अराउंड। ट्रैफिक भैया हर जगह पे ऐसे ही है यार, क्या करें। फरीदाबाद का ट्रैफिक तो हद है आजकल, तो कुछ ज़्यादा ही। और जब बारिश का टाइम हो जाता है तब तो भाई बहुत ही दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो भाई R15 V3 का ड्यूल चैनल ABS वर्जन जो है वो अभी लॉन्च हो रखा है, उसको आप परचेज़ कर सकते हो। R15 V3 ड्यूल चैनल ABS के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी पहले ही, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो वैसे ही अभी स्पेसिफिकेशंस एक बार दोबारा बता देता हूँ इस बाइक की। तो स्पेसिफिकेशंस वही हैं जो पुराने, मतलब जो 2018 मॉडल में थी। 155 सीसी की बाइक है, दमदार 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन, लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी। बाइक फेमस है अपनी टॉप स्पीड के लिए। और भाई 150 सीसी में ऐसी बाइक इतनी अच्छी टॉप स्पीड के साथ और इतनी ही अच्छी माइलेज, तो धूम मचा रखी है R15 V3 ने। ड्यूल चैनल ABS हैं बाइक में, सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर्स हैं, LED हेडलाइट्स हैं। और LED हेडलाइट काफ़ी अच्छी हैं बाइक की। यामाहा पहले R15 में पतले टायर देता था, लेकिन अभी जो है सुपर वाइड ट्यूबलेस टायर आने लग गए हैं। और इस बाइक में है VVA टेक्नोलॉजी, वेरिएबल वाल्व एक्टिवेशन। 7400 RPM से अबव जाने के बाद भी बाइक में आपको पावर उतनी ही मिलेगी। मतलब भैया हायर RPM पे भी बाइक में आपको तगड़ी पावर मिलेगी, बाइक की पावर कम होती ही नहीं है। इसी वजह से बाइक की टॉप स्पीड बहुत अच्छी है। बच्चे 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 यामाहा ने अभी FZ-25 भी लॉन्च कर दी है। तो भैया यामाहा अभी जितनी भी बाइक लॉन्च कर रहा है सभी में दे रहा है ABS। अभी R15 V3 लॉन्च हुई थी तो वो भी ड्यूल चैनल ABS के साथ है। FZS, FI और FZS दोनों वेरिएंट लॉन्च हो चुके हैं और दोनों सिंगल चैनल ABS के साथ में हैं। और लुक्स और डिज़ाइन के बारे में तो बात कर ही ली थी मैंने लास्ट वीडियो में। मतलब क्या तगड़ा काम किया है यार यामाहा ने FZS में। और मेरी बाइक FZ-25 का रिव्यू करूंगा मैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये देखो भाई साहब जा रहे हैं स्कूटी पे, इतना सारा पोल्यूशन क्रिएट करते हुए। सलाम है भैया तुमको, थोड़ा बहुत तो ध्यान रखा करो यार। व्हीकल्स का सर्विस टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। ओए होए होए क्या मक्खन चल रही है बाइक। तो भैया हम पहुँच चुके हैं ग्रीन यामाहा पे। हाँ भाई, तो कैसी लगी बाइक आपको कमेंट करके बताना ज़रूर। Yamaha R15 V3 डुअल चैनल ABS बाइक में अब और ज़्यादा सेफ्टी हो गई है, मतलब सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बाइक और ज़्यादा बढ़िया हो गई है। तो राइडर्स को थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा अभी बाइक चलाने में। बाइक अगर हाई स्पीड में भी रहेगी तो भी राइडर्स कंफर्टेबल रहेंगे और कम डिस्टेंस में बाइक को रोक सकते हैं ABS के साथ। तो ये Yamaha ने किया है बहुत ही बढ़िया काम ड्यूल चैनल ABS के साथ। और R15 V3 150 सेगमेंट की पहली ऐसी बाइक है जिसमें ड्यूल चैनल ABS दिया है। तो Yamaha ने फ्लैगशिप काम किया है। मुझे तो यार बहुत ही अच्छी लगी, मैट ब्लैक कलर बहुत ही शानदार लगा। और मुझे लग रहा है कि ये बाइक 2018 से भी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा इस बाइक का। तो यार बाइक की बुकिंग स्टार्ट हो रखी है। अगर आप फरीदाबाद में या फरीदाबाद के आसपास कहीं पे भी रहते हो तो ग्रीन Yamaha को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में ग्रीन Yamaha का नंबर दे दूंगा। आप शोरूम में जाके बाइक देखो, टेस्ट राइड करो और कंपैरिजन के हिसाब से अगर देखें तो भाई ये बाइक सारी बाइक से अलग है, सब बाइक से ऊपर है। जो 200 सीसी की बाइक हैं, बजाज की, TVS की, बाकी अदर्स कंपनी की भी, सुजुकी की, इन सभी बाइक से बाइक ऊपर है। और बुकिंग हो रखी है ओपन, आप बुकिंग कर सकते हो बाइक की। ग्रीन Yamaha फरीदाबाद से अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे दिया है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि यार एक मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। तो लाइक ज़रूर कर देना और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट भी लगाओ।